हम लोग आ चुके हैं और यहाँ हो रहा है हमारा सामान, ये हो रहा सामान चेक। ये लो ये लो, चलते चले, चलो अभी। हमारे सब्सक्राइबर्स है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, B2 पे, और हम लोग, हमारा कोच है, हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 1। तो सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स से मिलते हैं, बस 15 मिनट है अदिति जी से। ये तो शूट कर लेना। अरे यार हनुमान जी के बेटे का मंदिर है, भेट द्वारका में जाके किसी को भी बोलना कि ऑटो से ले जाओ, वो ऑटो से ले जाएंगे। वो दर्शन बहुत सुंदर है और कहीं ऑल ओवर इंडिया नहीं है, और वहाँ भी कोई देखिए आपसे स्पेशल वहाँ दर्शन कराने। एक बार मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप कर दूंगी। भेट द्वारका पहले दर्शन करना, फिर द्वारकाधीश। डन डन, ठीक है ठीक है। और 7 o'clock के अराउंड जाऊंगी, कोई भीड़ नहीं मिलेगी मॉर्निंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ओके, थैंक यू सो मच यार। हल्दीराम की वो डाली है मटरी, उसका ना मैंने डिब्बा फेंक दिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। लाने के लिए आप नोएडा साइड रहते हो, कहाँ रहते हो आप? अच्छा फरीदाबाद रहते हो आप, ओके। तो अभी आप ऑनलाइन ले रहे हो चंचल दी के पास? मैं ये वाली जैकेट लाई क्योंकि बहुत हैवी थी, मैं लाई नहीं जैकेट। लगा क्या हमारा सामान बहुत हो गया, खराब नहीं होते। हाँ मुझे पता है, दो तीन दिन आराम से चलेंगे, आराम से खाना। आप इतनी सारी, नहीं नहीं रखो, हम तो गुजरात जा रहे हैं, हम तो और गुजरात वाले खाएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं, दो पैकेट ही बोले, आप लोग के साथ इतने सारे लोग हैं। नहीं नहीं, अरे हम ऑलरेडी अपनी बहुत सारी चीजें लाए हैं, टेंशन मतलब आराम से एंजॉय करो इसको यार। आपने ऐसे क्योंकि, अच्छा मैंने आप लोग हाथ बोला, नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहना परेशान। नाइस टू मीट यू, ये वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब सैटरडे संडे को तो कुछ भी खा लो, जल्दी अलाउ नहीं करनी, पनिशमेंट मिलती है। हमारा वजन कम भी हुआ, हमारा वजन कम भी हुआ, पॉसिबल है, बेटर है, ठीक है, पेन है, एक्सरसाइज नॉर्मल है, बट बस डॉक्टर ने कहा है कि एक महीने थोड़ा पेन। और ना माइंड में ये ध्यान के चलना कि हमें द्वारकाधीश दर्शन करने हैं, अदरवाइज दर्शन ये तो बहुत कर रहे हैं, द्वारकाधीश दर्शन करना बहुत मुश्किल से। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग द्वारकाधीश आ रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा है, वहाँ रूम ही नहीं हो रहे हमारे। मैं इनको बोलती हूँ अभी तेरे को, एक हमारा जो होटल था बहुत अच्छा था, हमसे शायद 1200 पर नाइट का दिया था, तो मैं एक बार इनसे, और होटल रूम्स बहुत अच्छे थे। कोई नहीं, अब आप और मैं आराम से व्हाट्सएप पे बात करेंगे, क्योंकि मतलब मेरा व्हाट्सएप का जो मैंने आपको नंबर दिया ना, वो मेरा ही नंबर है। चलो आप मेरे को व्हाट्सएप पे आराम से भेज दो, तेजी से भाग के मत जाना, जाओ आराम से। होटल स्वाती है उसका, नहीं कोई माइंड में यही करके चलना कि हमें दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं बेटा। मैं तो दर्शन करने जा रही हूँ, बाकी तो सब चीजें गिर में ना, तुम लोग अंदर रुक रहे हो ना, उनको बोलना, उनको रिक्वेस्ट करना कि प्लीज हमें हॉस्पिटल दिखाओ। अच्छा लायन हॉस्पिटल, लायन हॉस्पिटल सबको एक्सेस नहीं होता। अच्छा हमारे कोई लोन थे जो इसीलिए हम लोगों को मिला था अंदर एक्सेस, तो तुम लोग अगर ऐसे छोटा मोटा एक बार बोल के देख लेना कि हम निकल सकते और आपको वहाँ तो बिल्कुल ऐसे पास में देखने को मिलेगा लायन हॉस्पिटल। ऐसे कोई वो तो नहीं, बहुत बड़ी तेज में बंद है। अच्छा और मैं ऐसे ऐसे पढ़ के खिला रही हूँ, मतलब देखने वाला सीन होता है, पर आई थिंक फोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, पर कोई नहीं, फोन्स नहीं मिला और एटलीस्ट हम तो एक्सपीरियंस कर लेंगे। पर सच्ची में जाना, लायन हॉस्पिटल जाना अंदर, उसके मैं पापा को बोल, खाने पीने का बाहर नहीं है, अंदर ही खाना पड़ेगा, बाहर कुछ भी नहीं है खाने का, कोई नहीं में, ठीक है। मतलब हमारे तो गेस्ट हाउस हुए अंदर, तो वो अपने आप मैनेज करेंगे, रूम्स बहुत सुंदर है उस गेस्ट हाउस के, जहाँ उन्होंने बोला कि भाई खाना वाना सब हमारा वही है, वो लोग बहुत नॉमिनल रेट्स पे रहते हैं, वो भी उसी में ही रुके थे। अच्छा पता नहीं सफारी चल रही है कि नहीं, तो एक और है जू, उसमें ले जाएंगे वो,
तो वहाँ सफारी तो चल रही है, तो मैंने भी थोड़े दिनों पहले भी कॉल किया था, उन्होंने कहा सफारी चालू है। तो फिर एक्चुअली दो सफारी है, छोटी सफारी एक बड़ी सफारी। अच्छा ऐसा भी है। तो एक जो छोटी सफारी है वो हर समय खुली रहती है। अच्छा। क्योंकि मतलब वो क्या है कि ओपन जू है एक तरीके से, वो उन्होंने काफी सराउंडिंग में बंद किया हुआ है, और आप उसके अंदर जाओगे तो आपको वो देखने को ही मिलेंगे, और जो एक्चुअल सफारी है उसमें मिलता नहीं है कोई देखने। अच्छा ऐसा भी है। एक्चुअल सफारी जब हम लोग गए थे तब बंद थी, हम लोगों ने दूसरी नकली सफारी करी थी। ओके। और है बहुत एक्सपेंसिव पर सफारी, 4500 कुछ के तुम लोग, तुम बट 4500 में ये है ना कि एक एक जीप पे 6-7 जने बैठ सकते हैं। फिर ये कैसे करेंगे कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हमारे लिए महंगी नहीं, आपको लगा हम लोग 8 मेंबर हैं, एक जीप पे दो ही बैठे थे। हां पर फिर हमें ना आपको तो पड़ेगा, फिर हमारे लिए बुक करवाया था ना, उनकी गाड़ी चली गई थी हमें लेके, तो तुम लोग भी थोड़ी सी कोशिश करना। वो पापा एक्सपोर्ट है। हाँ। ऐसे उनसे बात हुई है, वो हमें खुद से लेके जाएंगे, हमें कोई जीत नहीं करना। हाँ तो बस उन्होंने बोला है उन लोगों की, तुम लोगों की गाड़ी सबसे आगे चलेगी। हम लोगों के साथ भी यही हुआ था, हम लोग की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी और हम लोगों को फॉलो कर रहे थे सब। ओके। तो इट वाज अ गुड फन। ठीक है, पहले द्वारकाधीश, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रसाद चढ़ता है, अपनी तरफ से कोई भी मत लेना, व्हाट यू कॉल इट, तुलसी जी की माला मिलती है, सिर्फ वही प्रसाद होता है, आप उनको से भी वही मांगना अपना कि हमें वो दे दो। डन डन। चलो ओके बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा आपसे, थैंक यू। चलो आप जाओ आराम से। चलो फ्रेंड्स, ये आ गई है हमारी ट्रेन, तो चलिए फटाफट से बैठ जाते हैं। और ये चल रही है हमारे घर की पब्लिक, पहले आप चलो, आप किसका नाम? So guys, we are entering and Aditi ji को big thank you Burger King के burgers के लिए and Haldiram की I guess मट्ठी के लिए, I don't know क्या है। चलो भाई चलो। ओह छोटी सी बेबी, ऐसा लग रहा है गुल्लू। ट्रेन तो बढ़िया है भाई, साफ सुथरी। बेचारा मेरा भाई। पाउच में रखा। ये आदिति जी ने दिए हैं बर्गर, और ये देखो जिम रहे हिटलर फादर, सबसे पहले हिटलर हस्बैंड जी लगे हैं, ये देखो। ये आ गए हैं। ये बड़ा अच्छा काम किया, किसने किया, किसकी है ये? इसको बर्गर खिलाओ। नमस्ते जी। नमस्ते, पधारो जी। ये हमारी सब्सक्राइबर बर्गर देके गई है, खा लो। नमस्कार जी। नमस्ते जी। बेहतर है, नहीं तो मैं आई नहीं पाता जी। अदिति जी लाई है टॉप, मेरे टॉप भी आई है, और ये भी, ये हल्दीराम का, ये हल्दीराम का कहती बहुत अच्छा है, ये नमकीन ना मट्ठी टाइप। ये देखो आते ही बियरों पे लग गए हैं ये। परिन खा ले, बर्गर ठंडे हो रहे हैं। ये भी आया है। परिन नहीं खाती। ये भी लेके आई आदिति जी, ब्रेसलेट है, गेस्ट हाउस होटल सब होटल फुल पड़े हैं। विनू जी बना के लाई है चाय, टेस्टी पेस्टी तो क्या होगी, तू बना के लाई है बढ़िया चाय। आओ चीयर्स कर। तू तो तारीफ करे दिख जा बेफालतू की, तेरे को पीनी है ना आगे भी मिलूंगी आपकी चाय। देखो अच्छी है तभी तो आगे भी पीनी है, वरना एक इंसान से क्यों पिएगा। हो गई सबकी, ऋषभ ले रहा है मीनू अपने लिए। सही लखन दिया मैंने, चाय अच्छी बनी है। तुम चारों खेल लेना। फ्रेंड्स मैंने नहीं दिया, मेरी शादी हो रही थी तब मीनू बड़ी थी। तुम चारों खेल लेना, बोला नहीं अभी। देखा होता है एज वाइज होता है, सुनो सुनो सुनो, जो 60+ होता है ना उनको लोअर मिलती है। मम्मी आप 60+ नहीं हो ना, इसलिए लोअर नहीं मिली। भैया मुझे तो 60 लिखवा देते, मेरा तो टिकट में नीचे तो मिल जाती, कम से कम ऊपर चढ़ना मुश्किल है। भैया खाने में बताओगे क्या है? 5 है, 6 नंबर है, 5 इसमें 8 है, 8 ही रख लो ना, जब 8 ही बंदे बैठे हुए हैं तो 8 ही रख लो। 5 हुई है। राजधानी के 20 रुपए वसूल करते हुए हम 30 रुपए 20 रुपए की आती है बेटा, 2 उधर हो गया। ऋषभ ने ना भी बोल दी कि 15 रुपए लो, ये तो सस्ते में टरक गए फिर हम तो। कम से 30 रुपए का लिखा होता है इस पे, घर से तो नहीं लानी पड़ी कम से कम।
हमें ब्रेकफास्ट भी मिलेगा कल का, हो गई हमारी 8 पे। उसके अलावा भैया 34, 35, 37, 38 और 6 नंबर, 6 नंबर तो भैया देखिए सुबह नाश्ते में ब्रेड कटलेट रहता है। 34, 35 भैया ढंग का नाश्ता दे रही हो, ब्रेड तो मैं खाती हूँ 37 और कच्ची ब्रेड तो बिल्कुल नहीं खाती। आप मुझे पका के लाएंगे एटलीस्ट, कम से कम ग्रिल सैंडविच तो दे दियो भाई, वो खा लूंगी। ब्रेड कटलेट आएगा साहब? अरे भैया कच्ची ब्रेड है, कोई ना खाता हो तो कोहा पोहा। और अभी डिनर में क्या आएगा? ये जो पनीर है, दाल, चावल, पराठा है, ये तो हमें पता था। अच्छा होगा ना, अचार मिलेगा साथ में? सुना नहीं, पतली सी पानी वाली दाल नहीं चाहिए ज्यादा, कुछ आए ना गुस्से में। ऐसा खाना अच्छा नहीं हो तो मैनेजर इधर आएगा पेंट्री कार का। पता क्या लग रहा है मेरे को? लग रहा है एक बैग हमें इन बॉटलों को भरने के लिए लाना चाहिए था। एक बैग जाएगा। नहीं खड़ी कर दो, एक बॉटल। हमने हमारी बोतल में खरीद ने पिया, बस बेकार लाया। हमने ऋषभ ने क्या लगा नहीं बड़ोदा का यही पानी का पानी। मैं यही तो बोल रही हूँ, एक खाली बैग लेके आना चाहिए था। बैग के अंदर ये बोतलें भर के कैरी करते हैं हर जगह। मयूर जग ले आते हैं, उसमें बल्टी मार लेते हैं। कल सुबह भी मिलेगा पानी? नहीं, इन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, एक बोतल लेके अब तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम जा रहा है। पियो चाहे कुछ भी करो, इसमें हमारा पूरा गुजरात ट्रिप निकल जाएगा। वैसे सही है, सही भी है जो ठंडा। वैसे ठंड में पानी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। प्यास भी तेज लगती है। मेरी वाली बोतल कौन सी है, काउंट बताओ मेरे को। मैं अपनी कोई मेरी बोतल आते लगा, मैं पूरे ट्रिप में खत्म करूंगी अपनी एक बोतल। बोले की आगे आगे काम घूम रहे थे, राइट, सब अपने साथ बांध लो, ये अपने साथ बांध लो, ये आगे चलेगी। ये देखो सबके लिए टॉवल इकट्ठे करके लेके आए, ऐसे यहाँ टांग लो। दोनों मामा भांजी एक जैसे हो, जैसे तेरे मामा ना वीडियो में यहाँ टांग लेते हैं, यहाँ पोस्ट भी रहो, आराम से याद भी रहेगा। सारे खानदानी एक जैसे है, खानदानी लखनऊ में तुम लोग चल पर यहीं टांग ले। हाँ यही सब मुंह पोछ और यही टांगा रहने दे। और मैं कह रही है टॉवल इकट्ठे करके, पता नहीं आगे कहाँ घूमते फिर रहे हैं टॉवलों को लेकर। आगे 6 नंबर वाली सीट पे गए होंगे। इनको इतनी बढ़िया अपनी सुंदर बीवी नहीं दिखी, आगे आगे चले जा रहे हैं, कह रहे मुझे पता नहीं चला। सीट 6 नंबर सीट पे गए होंगे। नहीं भाई दीक्षा, यहाँ का फ्री का डिनर भी खाना है, पतली दाल पनीर। दे हमें ये जिस हमें नमकीन उमकीन आया वो बता रहे थे 300 रुपए कम हो जाते हैं खाने के, इससे बढ़िया मेरे तो कम ही करा देते हैं। मेरे भी करा देते हैं, बर्गर किंग से 300 रुपए का ले लेते हैं। मैं परांठे बना के ले आती करते हाँ, अरे मीनू परांठे ले आती बना करके, यहाँ की पेंट्री भी कलेक्ट करके फिर लाते हैं, फिर लाती है। 2,500 रुपए बहुत अच्छा, हम बाहर से खाना पैक करा। हाँ हाँ और क्या, मैं मेरी टिकट के वापस करो, मुझे नहीं चाहिए खाना, वापस करो मेरी टिकट। मैं कहूँगी भैया खाना ले जा, मैं 300 रुपए दे जा। अपनी बीबी इतनी शरीफ लगती है जो तुम्हें खाना बना के लेके आती तुम्हारे लिए। मैं तो परांठे ले आती, नहीं ये मीनू ले आती अचार परांठे, बनेगा तो फिर वहाँ पे मिलेगा। भैया देखो मेरी क्वांटिटी के 300 रुपए वापस कर देना, मेरी टिकट के मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ का खाना। देने आएगा उसको वापस कर देना। मैं कहूंगी भाई मेरे 300 रुपए दे दे, मुझे नहीं चाहिए।